हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्पिटिशन कम्युनिटी। कॉम्पिटिशन कम्युनिटी में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आपकी सीजी व्यापम की जितनी परीक्षाएं होने वाली हैं, चाहे हॉस्टल वार्डन या इसके अलावा जो सीजी टेट की परीक्षा देने वाले हैं, उनकी तैयारी अच्छी चल रही होंगी। और उसी तैयारी को मजबूत करने के लिए हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और आपकी एक मैथ्स की क्लास चलवा रहे हैं, जिसमें हम आपके जितने भी मैथ्स में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उसे हम कंडेंस टॉपिक वाइज सॉल्व कर रहे हैं। और आज का हमारा मैथ्स का जो टॉपिक है वह है समय और चाल, चाल व दूरी। ठीक, तो आज के टॉपिक को हम बेसिक से समझेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस को, और टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में जानेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे इसके पूछे गए हैं। चलिए सबसे पहले हम इसके बेसिक लॉजिक को या बेसिक फंडे को हम समझते हैं। ठीक, तो यहां पर अगर हम बात करें तो जो पहला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, पहला फॉर्मूला एकदम बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला, तो वो याद होना चाहिए आपको चाल का। यदि आपको चाल के बारे में पूछा जाता है तो आप चाल बराबर बोलेंगे स्पीड बराबर डिस्टेंस या दूरी, दूरी बटा समय। स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही अगर आपको पूछ लिया जाए समय के बारे में, समय के बारे में या टाइम के बारे में अगर आपको पूछ लिया जाता है, तो इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए आप बोलेंगे दूरी या डिस्टेंस अपॉन स्पीड या चाल। ठीक है, तीसरा अगर आपको पूछ लिया जाए कि आप बताइए दूरी क्या होगा, तो दूरी बराबर, दूरी डिस्टेंस बराबर आप कहेंगे चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। क्लियर है? ठीक, तो एक बेसिक फॉर्मूला जिसको आपको याद रखना है, जहां तक बहुत छात्रों को याद भी होगा, फिर भी एक बार ध्यान रखिएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। समय को वैल्यू निकालना है तो दूरी बटा चाल, और दूरी की वैल्यू अगर निकालनी है तो चाल गुणा समय। ये तीन फॉर्मूले आपके ध्यान में होना चाहिए। अगला पॉइंट जो आपको नोट करना है और ध्यान में रखना है, ठीक है, कि क्वेश्चन में जब प्रश्न को आप जब सॉल्व करेंगे तो आप में उस क्वेश्चन के जो यूनिट है वो आपको सेम रखने होंगे। मोस्टली जो यूनिट यूज किए जाते हैं वो यूज किए जाते हैं इसमें किलोमीटर पर आवर, और दूसरा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, या तो आपका पूरा का पूरा डेटा किलोमीटर पर आवर में हो, कन्वर्ट कर लीजिए नहीं है तो, या तो आपका डेटा पूरा का पूरा मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। ठीक, यदि किलोमीटर पर आवर में है और आपको कहा जाएगा मीटर पर सेकंड में बदलिए, तब आपको क्या करना है देखिए। ठीक, जैसे कि आपको पता है कि किलोमीटर को अगर मीटर में बदलना हो और आवर को अगर मीटर में सेकंड में बदलना हो, तो आप देखिए किलोमीटर को अगर मीटर में बदलना हो तो आप क्या करते हैं, हजार का गुणा करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आवर को सेकंड में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें 60 और 60 का यानी 3600 का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। जब इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां पर 5 और यहां पर मिलेगा 3। ठीक, और ये फाइनली आपको मिल जाएगा 5/18। ठीक, तो सिंपल और सरल भाषा में अगर कहें तो अगर आप किलोमीटर पर आवर में 5/18 का डायरेक्ट गुणा कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आना चाहें तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 18/5 का। ठीक है, फिर से एक बार ध्यान दीजिए, किलोमीटर पर आवर से आपको मीटर पर सेकंड में जाना हो तो 5/18 गुणा कर लीजिएगा, और मीटर पर सेकंड से अगर आपको किलोमीटर पर आवर में आना हो तो 18/5 का गुणा कर लीजिएगा। ये काम आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप डायरेक्टली किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में या मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, ये बेसिक चीजों को ध्यान रखिएगा। चलिए, ज्यादा कुछ इसमें ऐसा जानने को नहीं है, जैसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको वहां पर ट्रिक्स भी बताए जाएंगे और सॉल्व करने का एक बेसिक तरीका भी आपको साथ ही साथ बताया जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक आदमी ए स्थान से बी स्थान तक जाता है और आधी दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष आधी की दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, बताइए कुल यात्रा की औसत चाल क्या होगी। ठीक है,
आपको यहां पर क्या पूछा है, औसत चाल, ठीक है। चलिए तो औसत चाल अगर आपको निकालना है तो आपको पता होना चाहिए चाल बराबर औसत दूरी या टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल समय ही आपको कहीं ना कहीं यहां पर क्या प्रदान करेगा, औसत चाल एवरेज स्पीड देगा, ठीक। इसमें अगर हम बात करें कुल दूरी की, तो कुल दूरी हमारे पास क्या है, देखिए ए स्थान से बी स्थान तक जा रहा है, वह आधी दूरी, आधी दूरी यहां पर क्या कर रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा से, और आधी दूरी को तय कर रहा है। मतलब यहां पर दूरी की अगर मैं बात करूं तो दोनों दूरी क्या है, समान है, और अगर दोनों दूरी समान है तो मैं उसे क्या मान लेता हूं, डी मान लेता हूं, ठीक। इसके अलावा अगर समय की बात करें तो समय हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट समय है, समय यहां पर अलग अलग समय अगर लग रहा है, ठीक है, समय आपको अलग अलग लग रहा है तब क्या करेंगे, ठीक है। तो समय अगर हमारे पास अलग अलग है और डी, और डी जो सेम डिस्टेंस है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऊपर 2D हो जाएगा। और समय बराबर जैसे कि पता है कि आपको क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है, तो S1 क्या हो गया पहली चाल, और D/S2 हो गई हमारी दूसरी चाल, ठीक। यदि अगर हम इसे सॉल्व करें तो यहां पर क्या होगा 2D, यहां पर D कॉमन, ये बचा आपका 1/S1 1/S2, ठीक है, ये D और ये D क्या हो जाएगा कैंसल, ठीक। इसके बाद आपके पास बचा यहां पर 1/S1 1/S2, ठीक। इसे सॉल्व कर लेते हैं तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा S1 S2, और यहां आपको मिल जाएगा S1 + S2, ठीक। और फाइनल आपको मिलेगा क्या 2S1 S2 / S1 + S2, क्लियर है यहां तक चीजें, ठीक। ये आपका पलट गया S1 S2, 2S1 S2 और S1 + S2। यह हमें क्या मिला, एक औसत चाल निकालने का सूत्र या फॉर्मूला, ठीक है, सूत्र या फॉर्मूला। तो अब कभी भी अगर आपको दो स्पीड दी जाए तो दो स्पीड से ही आप औसत चाल यहां पर निकाल सकते हैं। आपको इतना कुछ करने के लिए जरूरत नहीं है, ये बस आपके समझने के लिए था। एग्जाम में आपको क्या करना है, बस आपको देखना है कि दो चालें कौन कौन सी दी गई हैं। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे पास दो स्पीड दी गई है, और हमें एवरेज स्पीड यहां पर पूछी गई है। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 2S1 S2 S1 + S2। तो पहली स्पीड क्या है हमारे पास 2×50×70 कर देंगे, इसके अलावा 50 + 70, ठीक है। तो दो स्पीड को हमने रख लिया। अब इसके बाद क्या होगा, यहां पर 2×50×70/120, क्लियर है। अब जो कैंसल आउट हो रहा है कैंसल कर लेते हैं, ये 0 कैंसल, 2 6 बार में कैंसल, 2 3 बार में से काटेगा, और ये 25, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा यहां पर 175/3, 175/3, ठीक है। और अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप इसे कर सकते हैं, 3×5=15, और यहां पर बचा क्या 2×3=24, और 0.33, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर क्या मिलेगा, आपको 58.33 एवरेज स्पीड है, 58.33 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड आपको मिल जाएगी। तो अगले बार जब भी इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्रीवियस ईयर के कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, ये औसत चाल वाला मैं खुद आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं ये जो क्वेश्चंस हैं आपके पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी व्यापम में है, पटवारी में है, RI में है, सबके क्वेश्चन को मैं एनालिसिस करता हूं, और उसके बाद मैंने देखा कि इस टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन जिसमें एवरेज औसत चाल पूछी गई वो कम से कम 3 से 4 बार आया है। तो अगर ये 3 से 4 बार आया है तो मैंने हमेशा क्या है आपको बताया है, वैसा क्वेश्चन जब भी आता है तो आप याद रखिएगा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, और इस पैटर्न के क्वेश्चन को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, संभावित है कि आगे के प्रश्न पत्र में पूछा जाएगा, और पूछा जाने के बाद आप खुद ही याद करेंगे कि सर ने बोला था कि इस टाइप के पैटर्न का क्वेश्चन आएगा, और आ गया, ठीक। तो आप अगर ये क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आप मान के चलिए आपका कोई भी टाइम जाया नहीं जा रहा है, आप सही चीजों के लिए अपना समय दे रहे हैं और सही चीजों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कार ए से बी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और बी से ए 80 किलोमीटर की प्रति घंटे की गति से वापस आता है। देखिए एक और प्रश्न, जैसे मैंने कहा कि एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन था, पिछला क्वेश्चन भी आया हुआ है और यह भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। तो यहां पर क्या बोला है, देखिए यहां पर 120 किलोमीटर पर आवर और साथ ही साथ 80 किलोमीटर पर आवर आपको पूछ लिया है क्या एवरेज स्पीड। तो यहां पर दो स्पीड दिया हुआ है और आपको मैंने अभी अभी औसत चाल का एक फॉर्मूला लिखवाया है, बिल्कुल याद रखिएगा औसत चाल के फॉर्मूले को, 2s1 s2 पहली स्पीड दूसरी स्पीड अपॉन s1 plus s2। कैसे आया क्या आया वो मैंने करवा दिया है। अब आपको डायरेक्ट जब भी एग्जाम में यूज करेंगे तो फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहां एवरेज स्पीड हम लोग लिख लेते हैं तो क्या होगा भाई बताइए, 2 into पहली स्पीड होगी 120, अगली स्पीड होगी 80, अपॉन क्या होगा 120 अपॉन 80, क्लियर है, ठीक। तो 2 into इसको मल्टीप्लाई मत कीजिएगा क्योंकि ये सिंपली बोलना चाहिए आपको, कैलकुलेशन करने में इजी करेगा, ठीक है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हो एक बड़ा नंबर आ जाएगा, फिर सॉल्व करने में फिर दिक्कत जाएगा, आप ऐसे ही रहने दीजिए। 120 प्लस 80 कर लीजिए, क्या हो जाएगा आपके पास 200। नंबर को कैलकुलेट कर लेते हैं, 0 0 कैंसिल, ये 2 2 कैंसिल, तो आपको कितना मिल गया 12 8 96, 12 8 96 किलोमीटर पर आवर, ये मिल गया हमें एवरेज स्पीड जो पूछा गया था। क्लियर है यहां तक चीजें, ठीक। तो मैंने कहा था कि एग्जाम में आया हुआ है और जस्ट मैंने देखा कि यहां पर प्रश्न में इस प्रकार का पूछा गया है तो उसको फिर मैंने ले लिया ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी बगैर ठहराव के चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और ठहराव के साथ उसकी चाल जो है 36 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है। रेलगाड़ी 7 घंटे की यात्रा करता है और ठहराव में कितना समय ट्रेन को लगता है, समय के बारे में, टाइम के बारे में पूछा गया है, ठीक। क्वेश्चन को ध्यान से रीड कर लीजिए, क्वेश्चन के फॉर्मेट को बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए ताकि कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आपको कैसे सॉल्व करना है वो आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक। तो यहां पर आपको पूछा गया है कि ठहराव में कितना समय लगता है, क्योंकि रेलगाड़ी जो है बगैर ठहराव के 45 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चली, या मान के चलिए जैसे अब कोई ट्रेन है यहां से रायपुर से बिलासपुर तक गई और रायपुर से बिलासपुर तक वो बिना ठहराव के गई तो 45 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से गई। अब लोकल ट्रेन जो है कहीं ना कहीं रुक रुक कर जाती है और रुक रुक कर जाने के कारण उसकी स्पीड क्या हो गई 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस टाइप के दो डेटा आपको दिए रहेंगे, एक ठहराव के बिना और एक ठहराव के साथ। अब यहां पर इस प्रकार का जब डेटा दिया रहेगा तो आप समय कैसे निकालेंगे, टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसे देखिए। तो टाइम बराबर आप याद रखिएगा बगैर ठहराव के चाल, बगैर ठहराव के चाल, फॉर्मूला है बिल्कुल ध्यान से नोट कीजिएगा, ठीक है, फॉर्मूले को, टाइम जो हम निकालेंगे ठहराव वाला समय, तो बगैर ठहराव के चाल माइनस ठहराव के साथ जो चाल थी, ठहराव के साथ चाल बटे हमें क्या करना है, बगैर ठहराव के चाल, क्लियर है, इनटू करेंगे जो लगने वाला समय, यानी कि आपको मिनट में लेना, तो इसमें क्या कर देंगे 60 का गुणा भी कर देंगे, ठीक। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल आपको याद रखना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आपको पूछा गया है टाइम, पूछा गया है ठहराव वाला टाइम, तो ठहराव वाले टाइम की अगर बात करें तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा जो है बगैर ठहराव के, तो पहला क्या लिखेंगे हम 45, उसके बाद ठहराव के साथ कितना है भाई 36 है, उसके बाद आपको क्या लिखना है बगैर ठहराव के चाल कितना होगा 45 होगा, इनटू क्या कर देंगे यहां पर 60 कर देंगे, डन। 45 माइनस 36 कितना हो जाएगा आपके पास 9 हो जाएगा, 9 अपॉन 45 इनटू 60, और इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 12, ठीक है, 12 मिनट प्रति घंटा।
12 मिनट प्रति घंटा, यानी कि एक घंटे में 12 मिनट का एक ठहराव वहां पर रहता है, 12 मिनट वो जो ट्रेन है ठहरती है एक घंटे में 12 मिनट। तो ध्यान दीजिए, एक घंटे में 12 मिनट, तो आपको पूछा कितने देर में गया है, रेलगाड़ी 7 घंटे में कितनी यात्रा करती है, तो रेलगाड़ी 7 घंटे में 12 × 7 84 मिनट का समय लेती है, 84 मिनट। यदि इस 84 मिनट को हम आवर में बदल ले तो आप कह सकते हैं एक घंटे में 60 मिनट, तो एक आवर और 60 के अलावा जितना भी बचा वो रिमेनिंग मिनट्स हो गए, तो 60 के अलावा कितना बचा आपके पास, 24 मिनट बचे। तो एक घंटा कितना हो गया भाई, 24 मिनट। तो कितना समय उसने ठहराव में व्यतीत किया 7 घंटों में, तो एक घंटा 24 मिनट इसने व्यतीत किया। क्लियर है, यहां पर भी अगर मैं इंपॉर्टेंट लिख दूं तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि आपके सामने जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूं ये बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है, वैसे ही क्वेश्चन को लेकर आया हूं। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम करते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, तो एक घंटा 24 मिनट ट्रेन का ठहराव रहा। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, बट पता होना चाहिए कि बनाना कैसे। एक ट्रेन 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 240 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो इस यात्रा में कितना समय लगा। ठीक है, यात्रा का समय आपको पूछ लिया, तो देखिए टाइम बराबर आपको क्या पता है भाई, बताइए। टाइम बराबर आपको पता है कि सर टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या दूरी बटा क्या होता है भाई, चाल होता है। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला ही पता होना चाहिए। हमारे पास यहां पर दिया गया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 240 किलोमीटर। सबसे पहले आप हमेशा चेक कीजिए कि कहीं यूनिट जो है डिफरेंट अलग अलग टाइप के तो नहीं दे दिए गए। जैसे यहां पर किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है तो यहां पर भी किलोमीटर दिया गया है, कई बार यहां पर मीटर दे देता है और वो किलोमीटर प्रति घंटा होता है, तब आपको वहां पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। यहां यूनिट सेम है इसलिए किसी प्रकार की दिक्कत हमें नहीं होगी। तो हम टाइम बराबर निकाल लेंगे, हमारे यहां पर दूरी कितनी है 240 है और लगने वाला यहां पर स्पीड कितना है, तो आप बोलेंगे 8 है, और 8 × 24 हुआ और ये 30 क्या मिल गया आपको आवर में, तो हम बोलेंगे 30 घंटा यहां पर यात्रा में हमें लगेगा। ये हो गया हमारा आंसर, क्लियर है। तो 30 घंटे में यात्रा पूरी हो जाएगी। चलिए अगला भी क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, यहां पर भी देखिए आपको पूछा क्या है, टाइम बराबर आपको पता है दूरी बटा क्या होता है, चाल। बट अब इस क्वेश्चन में ध्यान क्या देना है, आप देखिए यहां पर आपको बोला है ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा और ये दिया है कितना 3600 मीटर। अब देखिए या तो मीटर को किलोमीटर में बदल लीजिए या तो किलोमीटर प्रति घंटे को आप मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए। तो यहां पर हम क्या करते हैं, जो हमारी स्पीड दी गई है कितना दिया गया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, उसे हम मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं। और मैंने आपको शुरुआत में एक छोटा सा नोट करके पॉइंट बताया कि किलोमीटर प्रति घंटे को कभी अगर आपको इसमें बदलना हो तो आप क्या करेंगे 5/18 का गुणा कर देंगे, और 5/18 का जैसे ही गुणा करते हैं तो आपको मिल जाएगा कितना 5 × 10, और ये 10 मीटर पर सेकंड ही क्या हो जाएगी अब चाल या स्पीड हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड। अब 10 मीटर पर सेकंड हो गई स्पीड और डिस्टेंस हमें कितना दिया है 3600 मीटर, तो यहां पर हम समय निकाल लेते हैं। तो 3600 मीटर हुआ और ये भी 10 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अब यहां पर इसे सॉल्व करते हैं तो 10 कैंसिल और आपको जो 360 मिला, अब बताइए टाइम किस में कन्वर्ट किया आपने, सेकंड में कन्वर्ट कर दिया है, तो आप बोलेंगे 360 सेकंड हमें यहां पर लगा, 360 सेकंड में दूरी तय करेगी। क्लियर है, तो कब कन्वर्ट करना है कब नहीं करना है उस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अमन बिंदु ए से 8 बजे सवेरे 8 बजे 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करता है, और 2 घंटे बाद मोहित जो है बिंदु ए से 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना प्रारंभ करता है, तो बताइए प्रारंभिक बिंदु से मोहित जो है अमन को कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। अब देखिए क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लीजिए पहला काम। अब ये क्वेश्चन जो है एक टाइप का और पूछा जाता है, मैं बता दे रहा हूं टाइप को समझ लीजिए, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे उसी पैटर्न में, उस क्वेश्चन को भी आप बना लेंगे आराम से। ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से भी आता है कि एक चोर जो है एक घर में सवेरे किसी मान लो 10 बजे चोरी करता है,
और 10 बजे चोरी करके वह भाग जाता है। 2 घंटे या 3 घंटे बाद घर के मालिक को पता चलता है और वह चोर के पीछे भागना चालू करता है। तो पूछेगा आपको कि मालिक जो है चोर को कितने समय बाद या कितने टाइम में पकड़ लेगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपको पूछा जाता है और यही इस पैटर्न वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कई लोग जो पहले सॉल्व किए होंगे उनको पता होगा कि चोर वाला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जाता है। और उसी के जगह पर यहां पर क्या कर दिया है, 2 व्यक्तियों का नाम रख दिया, क्योंकि वो पैटर्न बच्चे जान चुके हैं तो बना लेंगे, वो जानता है, इसलिए सिंपल क्या कर दिया यहां पर, नाम रख दिया लोगों का। ठीक है, तो देखिए यहां पर दो आपको दोस्त दिख रहे हैं, एक अमन है और एक मोहित है। ठीक है, अमन दिया है, एक अमन है, ठीक है, और एक आपके पास कौन है, मोहित है, मोहित। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें अमन की स्पीड की, ठीक है, अमन की स्पीड की बात करें तो अमन जो है सवेरे 8 बजे, अमन जो है सवेरे 8 बजे निकलता है और इसकी एक स्पीड होती है 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चला गया। 2 घंटे बाद क्या हुआ, मोहित बिंदु ए से, इसी पॉइंट से मोहित बिंदु ए से क्या करेगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करता है। अब देखिए 8 बजे, तो देखिए 8 बजे तो यहां से अमन निकला, 2 घंटे बाद क्या निकला, मोहित निकला इसी पॉइंट से, तो 2 घंटे बाद लगभग, यानी कि आप मान के चलिए जो मोहित जो है 10 बजे, मोहित जो है 10 बजे यहां से निकलता है। ठीक है, बिंदु ए से मोहित जो है कितने बजे निकलेगा, 10 बजे, 2 घंटे बाद यह निकला और 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यह निकलता है। और पूछता है कि किस जगह पर मोहित जो है अमन को पकड़ लेगा। क्लियर है यहां तक चीजें, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि क्या क्या गिवन डेटा दिया हुआ है। अब बिल्कुल ध्यान से समझते चलिए, कुछ पॉइंट मैं बता रहा हूं उसको समझिए। देखिए यहां पर अमन और मोहित की जो दिशा है वह सेम डायरेक्शन में है, अमन और मोहित की दिशा क्या है, सेम डायरेक्शन में है। ठीक, यह भी हो सकता था कि अमन और मोहित जो है एक दूसरे की विपरीत दिशा में चले। तो याद रखिएगा कभी भी सेम डायरेक्शन में या सेम डायरेक्शन या एक ही दिशा में दो ऑब्जेक्ट या दो वस्तुएं गति करें तो उनकी चाल क्या हो जाती है, उनकी चाल हो जाती है माइनस, दोनों की चाल क्या हो जाती है, घट जाती है। एक ही दिशा में चले तो घट जाती है, वही अगर उनका चाल यदि विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में विपरीत चाल हो या उनकी दिशा जो है अपोजिट डायरेक्शन में हो उस केस में जो चाल होता है वह क्या होता है, जुड़ जाता है। बस इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ठीक, तो अभी के केस में क्या हो रहा है, मोहित और अमन जो है एक ही सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो एक ही सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो इनकी चाल क्या होगी, घट जाएगी। इतना पॉइंट समझ में आया, ठीक है। चलिए अब आपको पूछा क्या है उसे देख लेते हैं। यहां पर आपको पूछता है कितनी दूरी पर वह उसे पकड़ लेगा। ठीक है, चलिए तो यहां पर हम देखते हैं कि टाइम बराबर, इसे यहां से इरेज कर लेते हैं थोड़ा, तो हमें पता है कि टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखिए यहां पर जो मोहित है और अमन जो है 8 बजे निकला और 2 घंटे की दूरी तय कर लिया। अमन जो है 2 घंटे की जो दूरी तय किया उतनी दूरी को, डिस्टेंस को आपको ले लेना है जितनी दूरी यह तय करेगा। ठीक है, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 2 घंटे की दूरी यह तय करेगा। स्पीड की अगर बात करें तो दोनों की स्पीड क्या है, सेम डायरेक्शन में, इसलिए क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो कैसे माइनस करेंगे हम, 45 माइनस 36, तो आपको लगने वाला जो समय है या जिस समय पर वो पकड़ लेगा उसे हम निकालते हैं यहां पर, तो 36 दूनी कितना हो जाएगा, 72, और ये कितना हो जाएगा आपके पास, 9। इसे हमने सॉल्व किया तो ये मिल गया आपको 8 घंटा, यानी 8 घंटे के बाद
आठ घंटे के बाद जो है मोहित जो है अमन को पकड़ लेगा। अब आपको पूछा क्या है, यहां पर डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होगा उसे देख लीजिए, डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस बराबर हमें पता है स्पीड इंटू क्या होता है, टाइम होता है, स्पीड इंटू टाइम या चाल गुणा समय होता है, चाल गुणा समय, ठीक। चाल की अगर हम बात करें, चाल की अगर हम बात करें तो दो घंटे बाद यहां पर चीजें चालू हुई, और पकड़ना किसको है, मोहित, तो मोहित जो है कितने की स्पीड से चल रहा है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, और उसे लगने वाला समय कितना है, कितने देर में वो पकड़ लेगा, तो बोलेंगे सर 8 घंटे में पकड़ लेगा, तो 45 इंटू 8 करेंगे और हमें कितना मिल जाएगा यहां पर, किलोमीटर। तो 360 किलोमीटर की दूरी पर मोहित जो है अमन को पकड़ लेगा। याद रखिएगा ये दो घंटा का जो गैप लिया गया है ये दोनों के बीच की दूरी थी, दोनों के बीच की दूरी को जब कवर करना होगा तो 36 किलोमीटर की दूरी जो है 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाला कौन था, अमन था, इसीलिए हमने क्या लिया 36 लिया, और एक गैप बन गया, वो कितने का गैप बना, 72 किलोमीटर का गैप बना, उसे कवर करने के लिए लगने वाला समय कितना था, 8 घंटा, और 8 घंटे के बाद यानी कि मोहित जो है अमन को पकड़ लेगा। तो एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, याद रखिएगा सेम डायरेक्शन में क्या होगा, स्पीड घटेगा, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, जुड़ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिमसिम एक्सप्रेस और टिंटिन एक्सप्रेस क्रमशः 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूरी तय करते हैं, और दोनों ट्रेनों के द्वारा दूरी को, समय को तय करने में 3 घंटे का अंतर या समय इनमें लग गया, 3 घंटे का दोनों में क्या है अंतर, तो आपको पूछा है कि बताइए डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा। अब देखिए यहां पर एक मैं फॉर्मूला आपको बताने वाला हूं, उसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, और उस फॉर्मूले का यूज करके आप इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जहां पर आपको दो चाल दी गई हो और एक समय दिया गया हो, ठीक है। चलिए तो यहां पर अगर हमको दूरी निकालना हो, दूरी, ठीक, तो दूरी बराबर होगा S1 S2 बटे S2 माइनस S1 इंटू टी, ठीक। बिल्कुल इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 S2 पहले ट्रेन की चाल, दूसरे ट्रेन की चाल और माइनस पहले ट्रेन की चाल, और दोनों के बीच का जो अंतर लगने वाला जो समय है वह समय हो जाएगा टी, ठीक है। बस इस फॉर्मूले को याद रखना, इस फॉर्मूले पर आधारित जो है 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक। चलिए पहली चाल हमें कितनी दिख रही है, 36, दूसरी चाल हमारे पास कितनी है, 45। अगर हम बात करें तो दूसरी चाल कितनी है हमारे पास, 45 माइनस 36, जैसा सा डेटा दिया हुआ है उसे रख लीजिए। अगला बोलता है दोनों ट्रेन के चाल में समय में अंतर कितना आया, तो समय में अंतर दिया है 3 घंटा, तो 3 को रख लिए। इसके अलावा आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि यूनिट में कहीं पर बदलाव तो नहीं है, तो आप देख रहे हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा, और यहां पर भी किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, और वहां पर भी समय जो है 3 घंटे में दिया गया है, तो आपको किसी प्रकार का बदलाव यहां पर नहीं करना है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, कितना होगा 36 इंटू 45 बटा कितना होगा 9, इसको काट लेते हैं यहां पर 9, इसे 4 बार में काट देगा, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा हमारे पास 45 इंटू 12, या इसे हम कह सकते हैं 12 × 5 = 60 और 6 × 12 = 48 = 54, 540, क्योंकि आप डिस्टेंस निकाल रहे हैं इसलिए आप कहेंगे कि इसने 540 किलोमीटर की दूरी क्या है उसमें तय की है, 540 किलोमीटर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखिएगा, ये फॉर्मूला अगर याद है तो आप आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन जिसमें दो आपको स्पीड दी गई हो साथ ही साथ समय का अंतर दिया हो तो आप इस फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो डिस्टेंस कितना आ गया आपका 540 किलोमीटर, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन भी छोटा सा क्वेश्चन है, बट इसमें जो है मेंसुरेशन या ज्योमेट्री का जो थोड़ा सा पार्ट है वो जुड़ गया है। देखिए अब वो कैसे जुड़ा है उसे समझिए। एक गाड़ी का पहिया है जिसका व्यास हमें दिया है 28 सेंटीमीटर और वह 1 मिनट में 100 चक्कर लगाता है, तो गाड़ी की चाल क्या होगी,
अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें गाड़ी के पहिए की, गाड़ी की पहिए की अगर हम बात करें यहां पर, ठीक, तो गाड़ी का पहिया क्या होता है? गोल होता है, ठीक। तो गाड़ी का पहिया अगर गोल है तो दिया क्या है इसमें आपको? व्यास दिया है, व्यास, ठीक है। और व्यास कितना दिया है आपको? 28 सेंटीमीटर व्यास दिया है, ठीक। और आपको यहां पता होना चाहिए कि व्यास के अलावा जो वृत्त में या सर्कल में जो अगला इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वह क्या होती है? त्रिज्या, ठीक है। और जैसे हमें पता है कि व्यास जो होता है, व्यास वह त्रिज्या का क्या होता है? दुगुना होता है। व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगुना। तो व्यास हमें दिया है 28 और ये 2r, r की वैल्यू या त्रिज्या की वैल्यू, रेडियस कितना आ जाएगा हमारे पास? एक वृत्त का रेडियस, तो वृत्त का रेडियस आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। इसका हमें क्या मिल जाएगा? रेडियस। तो वृत्त का हमें रेडियस क्या मिल गया? 14 सेंटीमीटर। अब बोलता है कि भाई वो एक मिनट में 100 चक्कर लगाता है, एक मिनट में 100 चक्कर लगाता है। तो पहला चीज कि एक मिनट में या एक चक्कर में जो वृत्त है वह कितनी दूरी तय करता है, ठीक। तो जैसे कि आपको पता है कि ये जो है वृत्त की क्या है? परिधि, जिसमें वह एक चक्कर लगाएगी। और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, और वह परिधि का फॉर्मूला क्या है? 2πr। तो वृत्त की परिधि में क्या हुआ? एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी मिल गई हमें? 2πr मिल गई। तो आपको पूछा कितना है? 100 चक्कर। तो 100 चक्कर में तय की गई दूरी कितनी होगी? 100 चक्कर में, तो 100 चक्कर में कितना होगा भाई? 2πr इंटू 100। ये हो गया आपका 100 चक्कर में तय की जाने वाली दूरी। क्लियर है? तो आपको पूछता है कि वह जो है एक मिनट में 100 चक्कर लगाता है, तो गाड़ी की चाल क्या होगी? तो यहां पर हम लिखते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक। समय कितना लग रहा है? एक मिनट, ठीक है। समय हमारे पास कितना दिया गया है? एक मिनट दिया गया है। तो समय को जैसा बोला है वैसा ही लिख देते हैं, एक मिनट का समय है। इसके अलावा दूरी की बात करें तो दूरी हमारे पास कितना है? 2πr इंटू 100, ठीक। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा भाई? इसे 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 22/7, और इंटू आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहां पर? 14 इंटू 100। एक मिनट को एक मिनट ही रहने देते हैं, यहां पर कोई बदलाव इसमें हम नहीं कर रहे हैं, ठीक। यहां से 7 ये कैंसल हुआ, 7 दो बार में कैंसल हो गया। अब इसे पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2200 कितना हो जाएगा आपके पास? 8800 सेंटीमीटर पर मिनट, 8800 सेंटीमीटर पर मिनट। जैसे ऐसा डेटा दिया हुआ था उसके हिसाब से हमने सेट कर लिया। अब सेंटीमीटर को आप चाहे मीटर में बदल लीजिए, चाहे मिनट को आवर में बदल लीजिए, वो क्वेश्चन के ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको सेट करना होगा, ठीक है। तो 8800 मीटर पर मिनट की इसकी क्या थी? चाल थी। क्लियर है? तो यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है? 2πr परिधि आपको पता होनी चाहिए, वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr, और उसके अकॉर्डिंग एक चक्कर में तय की गई दूरी और 100 चक्कर में तय की गई दूरी आपको मिल गई। उसके अलावा आपको चाल याद रखना था, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी कितना हो गया? 2πr इंटू 100, और समय कितना बोला गया? एक मिनट, यहां पर लिखा हुआ ध्यान देंगे, एक मिनट का समय यहां ले रहा है, तो उसके हिसाब से आपको चाल निकालना, ठीक। तो 8800 सेंटीमीटर पर मिनट की उसकी क्या है? चाल है। क्लियर है यहां तक चीजें, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, एक लड़का अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और अपने स्कूल 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो वह 10 मिनट पहले पहुंचता, ठीक है। देखिए यहां पर, देखिए आपको अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था जिसमें दो चाल होनी चाहिए, दो चाल वाला एक फॉर्मूला मैंने बताया था, ठीक। दो चाल और अगर आपको समय दिया गया है तो आप फॉर्मूले का यूज करते हैं और दूरी निकालते हैं। तो यहां पर याद रखिएगा, ठीक, कि अब जो है समय जो दिया है 10 मिनट और 5 मिनट दिया गया है। अब इसका करना क्या है ध्यान से देखिए, इसमें अगर देखें तो अपने स्कूल से एक बार 5 मिनट देरी पहुंच रहा है और एक बार 5 मिनट पहले।
कभी इस प्रकार का केस जे जिसमें 5 मिनट देरी और 5 मिनट पहले वाला ऑप्शन अगर आपके पास रहे तो आप यहां पर जो समय देख रहे हैं उस समय का आपको योग लेना है। जैसे जैसे आपने फॉर्मूला लिखा था D1 S1 अपॉन S2 S2 माइनस S1, ठीक है, इस प्रकार का हमने फॉर्मूला लिखा था और इनटू लिखा था समय। तो आपके पास यहां पर दो समय दिए गए हैं तो आपको लेना क्या है, यहां पर समय का योग लेना है, समय का योग, ठीक, समय का योग, जितना भी टाइम दिया है उसे क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। कब के केस में जोड़ना है, ठीक है, उसको भी समझ लीजिएगा आप। यहां पे मैं कुछ पॉइंट आपको बता दे रहा हूं कब के केस में आपको ये चीजें करनी है, नोट करके कहीं पर लिख लीजिएगा, ठीक है। पहला पॉइंट, अगर कोई विद्यार्थी या कोई लड़का या कोई व्यक्ति, ठीक है, एक बार देरी करे और एक बार जैसे जल्दी वाला केस हो, ठीक है, एक बार देरी करे और दूसरा दिया हो जल्दी वाला केस, तब आपको समय को क्या करना है, जोड़ना है। वहीं अगर दोनों बार में देरी वाला केस दिया हो तब समय को, टाइम को आपको क्या करना है, माइनस करना है, घटाना है, तब समय क्या होगा, घटेगा। क्लियर है। इसके अलावा तीसरा केस याद रखना, कभी जल्दी या पहले पहुंचने वाला केस हो, दोनों तरफ जल्दी वाला केस हो, उस केस में आप क्या कर लेना, घटा लेना, ठीक। तो देरी या पहले, या पहले या देरी, दोनों में से कोई भी केस हो तब जोड़ना है। इसके अलावा देरी देरी वाला अगर दोनों केस है तब क्या करना है, घटाना है, और जल्दी जल्दी वाला भी केस है तब भी क्या करना है, आपको घटाना है। यहां पर आपको दिया गया 5 मिनट देरी और 10 मिनट पहले, इस केस में क्या करना पड़ेगा, समय को जोड़ना पड़ेगा। बस इतना ही काम करना है, आपका डिस्टेंस का वैल्यू निकल जाएगा विद इन अ मिनट, ठीक। तो यहां पर रख लेते हैं वैल्यू। तो पहला स्पीड दिया है 4, दूसरा स्पीड दिया है 5, ठीक है, 5 माइनस 4 यहां रख लिए, इनटू समय का योग। समय का योग देखिए कितना दिया है, 5 और 10 मिनट। अब यहां पर देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, ये भी किलोमीटर प्रति घंटे में है, और ये दिया हुआ मिनट में। तो मिनट को आपको आवर में बदलना होगा, और आवर में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको 60 से आप भाग दे देंगे, बस हो गया। 5 चौक 20, ये हो जाएगा 1, यहां कितना हो गया भाई, 15/60। इसे कैंसल आउट कर लेते हैं, ये कैंसल हो गया, ये कैंसल हो गया 3 बार में, और आपको मिल गया 5। अब ये 5 क्या मिला, क्योंकि आपने किलोमीटर पर आवर में बदला था, इसलिए दूरी आपको मिली है 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की दूरी, 5 किलोमीटर की दूरी। क्लियर है यहां तक, समझ में आया आपको ये क्वेश्चन, ठीक। अगर इसी क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, इसी क्वेश्चन में अगर ये बोल देता 5 मिनट देरी और 10 मिनट देरी से पहुंचता है, यहां पर भी देरी और यहां पर भी देरी, उस केस में आपको दोनों को घटाना पड़ता, 10 मिनट को और 5 मिनट को घटाना पड़ता। कब के केस में, दोनों केस यानी दोनों टाइम में, दोनों स्थिति में क्या हो, जो देरी में पहुंचे, या दोनों केस में दोनों में जल्दी पहुंचे, उस केस में घटाना है। देरी या पहले वाला केस होगा, या पहले या देरी वाला केस होगा, उस केस में क्या करना है, आपको जोड़ देना है, ठीक। तो ये फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपका टाइम एंड डिस्टेंस में, आप बिल्कुल इसे याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने बताया था आपको अभी जस्ट, हमने थोड़ी देर पहले बताया था, इस क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखा था और इसे कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैंने आपको बताया, ठीक। तो इसका फॉर्मूला हम देखे थे कि टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर ठहराव के बिना या ठहराव के बिना चाल, ठहराव के बिना चाल माइनस ठहराव के साथ चाल बटा क्या होगा भाई, ठहराव के बिना चाल, ठीक है, ठहराव के बिना चाल इंटू क्या करना है, 60 इंटू करना है 60, क्लियर, ठीक। अब जो जो डेटा दिया हुआ है, दो ठो स्पीड दिया हुआ है, एक ठहराव के बिना और एक ठहराव के साथ, तो 80 माइनस 60 अपॉन 80 कर लीजिए, इंटू क्या करेंगे 60, क्लियर है। तो ये मिल जाएगा आपको 20 अपॉन 80 इंटू 60।
क्लियर है, जो जो कट रहा काट लीजिए, चार बार में कट गया, ये मिल गया आपको क्या 15। अब ये क्या मिला है 15 मिनट प्रति घंटा, क्लियर है, यानी आपको जो डेटा मिला है उसमें ये बताया जा रहा है कि एक घंटे में 15 मिनट का रुकावट या समय लगा है, 15-15 मिनट यहां पर एक गैप पड़ा है, क्लियर है ठीक। एक आदमी स्कूटर से ए से बी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है, कुल यात्रा में उसे 10 घंटे लगे हों तो ए तथा बी के बीच की दूरी ज्ञात करें, क्लियर है क्या ठीक। अब आप देखिए ये किस फॉर्मेट का क्वेश्चन है आप अभी बता दीजिए, अभी तक मैंने आपको 2-3 फॉर्मूले बताए हैं बिल्कुल उसी फॉर्मूले पर आधारित, जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए उस फॉर्मूले के आसपास के ही क्वेश्चन आपको देखने मिले और बहुत बार वैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें ये क्वेश्चन भी शामिल है। तो मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था डी बराबर क्या होता है S1 S2 S2 - S1। अब यहां पर क्या दिया गया है, लगने वाला समय दे दिया गया है, तो यहां पर कुल समय दिया गया, देखिए यहां पर कुल समय दिया गया है, लगने वाला कुल समय, अंतर नहीं दिया गया है, इसलिए इस बार क्या करेंगे आप स्पीड को जोड़ लीजिएगा, या समझिए कि ये फॉर्मूला एक्चुअल में आया कैसे उसको ही देख लीजिए आप ठीक है। देखिए फॉर्मूला बना कैसे उसको इसी क्वेश्चन के साथ में आपको बता देता हूं। अब आपको क्या बोला है कि भाई इसमें ए से बी 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आता है, तो आप बताइए आप चाहे रायपुर से बिलासपुर जाइए, बिलासपुर से रायपुर वापस आइए, इनके बीच की दूरी में कोई बदलाव है क्या, इनके बीच की दूरी में कोई बदलाव नहीं होता है। वैसे यहां पर है कि वो ए से बी गया और बी से ए आया वापस, उसके दूरी में कोई बदलाव नहीं है, यानी डी जो है दूरी क्या है इसमें सेम है। चाल में यहां पर अलग अलग अंतर दिख रहा है आपको, एक बार 30 किलोमीटर प्रति घंटे का और एक बार 20 किलोमीटर प्रति घंटे का, ये चाल में अंतर है ठीक है, और एक टाइम दिया है कुल समय। तो यदि मैं मान लू कि टोटल टाइम हमारे पास टी दिया गया है, टोटल टाइम टी पहले टाइम को मान लेते T1, दूसरे टाइम को मान लेते T2 और ये हो गया आपका कुल समय ठीक। समय बराबर आपको पता होना चाहिए क्या होता है, दूरी बटा चाल, क्या होता है भाई दूरी बटा चाल। तो यहां पर मैं लिखने वाला हूं दूरी, और दूरी कितना तय करेगा भाई, डी दूरी तय करेगा, समान दूरी तय की जा रही है तो डी दूरी तय किया, बट स्पीड डिफरेंट है, तो स्पीड डिफरेंट है तो क्या हो जाएगी S1 प्लस, इसके अलावा अगर हम देखें दूसरी दूरी क्या है डी, सेम दूरी तय कर रहा है बट चाल अलग है, इसलिए क्या लिख दिया यहां पर S2, और लगने वाला कुल समय कितना है हमारे पास टी है ठीक। पिछला जो फॉर्मूला आपने देखा था उसमें क्या हो रहा था, समय का अंतर था, चाल में अंतर आ रहा था क्योंकि वहां पर अंतर की बात की गई थी, यहां पर बोल रहा है भाई कुल यात्रा में 10 घंटा लगा, यानी कुल यात्रा की बात की गई, इसलिए यहां पर क्या कर दिया ऐड कर दिया। अब होगा क्या, यहां पर डी को हम कॉमन ले लेते हैं, डी को जब कॉमन लोगे तो ये क्या होगा 1/S1, ये हो जाएगा 1/S2 बराबर टी ठीक। तो डी बराबर आपको मिलेगा यहां पर S2 + S1/S1 S2, क्लियर है ठीक, बराबर डी बराबर आपको मिल जाएगा यहां पर S1 S2 और S2 + S1 × T। इसी फॉर्मूले को ही मैंने आपको बार बार बताया है कि आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला ही याद रखना है, अंतर बोलेगा माइनस कर देना ठीक है, योग बोलेगा यानी कि कुल समय बोलेगा तो जोड़ देना बस ठीक है। इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा बदलाव होते हुए फॉर्मूला कैसा है वो मैंने बता दिया। अब आपका केवल एक ही काम बचता है, आप जो डेटा दिया गया है उठा के यहां पर रख दीजिए, 2 चाल 1 समय है, बस डेटा को रख देते हैं। तो डेटा रखेंगे कितना कितना मिल रहा है भाई, 20-30 मिल रहा है आपको, यहां पर रख देते हैं 20-30 रख दिए, बटा क्या कर देते हैं 20 + 30 कर देते हैं इंटू, आप देखिए समय कितना दिया 10 घंटा, मतलब आपको टाइम में कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है, सब चीजें यहां पर सेट है ठीक। चलिए तो ये हो जाएगा 20 × 30, यहां पर 50 × 10, ये कैंसल हो गया, ये कैंसल हो गया, 5-4 बार में से काट देगा, ये मिल जाएगा आपको 120 किलोमीटर। तो कितनी दूरी तय की गई भाई इसने, ए और बीच बी के बीच की दूरी कितनी हो गई 120 किलोमीटर, क्लियर है क्या ठीक। तो मैंने जैसे कि आपको कहा कि एक ही फॉर्मूला है ठीक है, उसमें ही थोड़ा थोड़ा बदलाव हुआ है और उसी से क्वेश्चन बनते चलेंगे, और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन इस पैटर्न के क्वेश्चन या इस फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन आपको आगे भी देखने को मिल सकते हैं ठीक। तो मैं आपको गारंटी देना चाहूंगा कि अगर आप ये सब चीजें प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको
एग्जाम में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो ये तैयारी अभी कर रहे हैं, ये एग्जाम के दिन के लिए बहुत बेहतर आपको रिजल्ट देगा और आप एकदम गारंटी के साथ आसानी से आंसर टिक लगाकर आएंगे। क्लियर है? ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राम और भरत समान दूरी की यात्रा क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से करते हैं। राम भरत को 30 मिनट ज्यादा लगते हैं तो प्रत्येक दूरी तय कीजिए। देखिए, बिल्कुल वैसी क्वेश्चन है, इस बार एकदम मैं फॉर्मूला लिखूंगा और आंसर दे दूंगा। देखिए, राम को भरत से 30 मिनट ज्यादा लगते हैं, मतलब दोनों के बीच में क्या है, एक अंतर है। दोनों के बीच में क्या है, अंतर है। तो दूरी पूछा गया है, प्रत्येक के द्वारा लगी गई दूरी पूछा है। ठीक है, तो यहां पर निकाल लेते हैं भाई। आपको बताया है मैंने, क्या होगा, डी बराबर एस वन एस टू, अंतर है इसलिए एस टू माइनस एस वन इंटू क्या कर देना है, टाइम ले लेना है। ठीक है, हमारे पास कितना कितना है भाई, 6 × 10 कर देंगे, 10 − 6 कर देंगे, और इंटू समय कितना कितना अंतर दिया गया, 30 मिनट का अंतर है दोनों में। अब 30 मिनट का जो अंतर है, आप देखिए किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हुआ है। आप बोलेंगे सर 30 मिनट को बदलना होगा हमें किसमें, आवर में, और 60 से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो यहां पर आपको मिल जाएगा 60/4 और ये 30/60। ठीक है, 60 कैंसल और इसे सॉल्व कर लेते, कितने बार में जाएगा, 4 × 7 = 28 और 4 × 5 = 20। क्लियर यहां तक चीजें? तो 7.5 किलोमीटर प्रत्येक के द्वारा तय की गई दूरी होगी। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। आज के सेशन का एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद सेशन को समाप्त करेंगे। बिल्कुल, चलिए, एक साइकिल के पहिए 5000 बार घुमाने के लिए 11 किलोमीटर की गति करता है, तो पहिए की त्रिज्या क्या है, पहिए की त्रिज्या क्या है पूछा है। ठीक है, तो साइकिल के पहिए को 5000 बार घुमाने के लिए 11 किलोमीटर है, 5000 बार जब साइकिल का पहिया घूमता है तो 11 किलोमीटर की दूरी तय करता है। देखिए, आपको मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले कि एक बार में पहिए के द्वारा तय की गई दूरी कितनी होती है। तो आप बताए थे सर परिधि क्या होती है, उसके द्वारा तय की गई दूरी होती है। तो ये हो गया 2πr। तो 5000 बार में कितने बार दूरी तय करेगा, तो 5000 बार में पहिया जो दूरी तय करेगा वह हो जाएगा 2πr × 5000। ये हो गया 5000 बार में तय की गई दूरी। ठीक, आपको बोलता है कि 5000 बार में जो तय की गई दूरी है उसे भी दे दिया गया है, कितना, 11 किलोमीटर। यानी 5000 बार में जितनी दूरी तय किया वह कितना है आपका, 11 किलोमीटर। तो यह हो जाएगा आपका 2πr × 5000। ये है 5000 बार में तय की गई दूरी, और साथ ही साथ राइट हैंड साइड में क्योंकि 11 किलोमीटर की दूरी भी दे दी गई है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहां पर बराबर हो जाएंगे। ये भी दूरी है और ये भी दूरी है, ये भी 5000 किलोमीटर में तय की गई दूरी, 5000 चक्कर में तय की गई दूरी, और ये भी 11 किलोमीटर उतने में तय की गई दूरी। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपको त्रिज्या पूछा है, आर का वैल्यू नहीं पता है, उसको निकालना है। तो 2 × π का वैल्यू कितना होगा, 22/7 इंटू आर का वैल्यू निकालना है इंटू 5000। ठीक है, 5000 / 11। तो आर का वैल्यू आपके पास हो जाएगा यहां पर कितना, 11 × 7 / कितना हो जाएगा, 2 × 22 × 5000 चक्कर। क्लियर है, 5000 बार। ठीक, तो यहां पर इसे कैंसिल कर लेते हैं, 11 दो बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा आपके पास कितना, आर का वैल्यू 7/20000। ठीक है, तो 5000 बार घुमाने में वह 11 किलोमीटर की गति तय करता है। क्लियर यहां तक? ठीक है, तो यहां तक आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए वो आपको समझ में आया होगा। ठीक, क्लियर है? यहां पर किसी भी प्रकार का अगर डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जान सकते हैं, सवाल में कहीं पर भी डाउट हो, या अगला कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ना चाहते हो तो उस टॉपिक को भी बता सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्नों के साथ इतने प्रश्नों को आप प्रैक्टिस कीजिए, यहां से एक न एक प्रश्न आपको देखने के मिल सकता है। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी करते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।